हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कल शाम 4 बजे देश के प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। कल शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। विकास भदौरिया और ज्यादा अपडेट के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, इस वक्त देश में दो अहम मुद्दे हैं, एक तो चीन के साथ जो चल रहा है, आज सरकार ने अहम फैसला लिया चीनी ऐप पर बैन करने का, और दूसरा परसों से अनलॉक 2 शुरू हो रहा है। क्या लगता है कल शाम 4 बजे प्रधानमंत्री किस मुद्दे पर बोल सकते हैं? देखिए, दोनों ही मुद्दे पर बोलेंगे प्रधानमंत्री, क्योंकि देखिए कोरोना वायरस के दौरान संक्रमण के दौरान जो देश में हालात बने हैं उसको लेकर अनलॉक 2 की गाइडलाइंस जारी हुई है। इन अनलॉक 2 की गाइडलाइंस के दौरान लोगों को धैर्य के साथ इनका पालन करना चाहिए, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, लेकिन इसी से जुड़ी हुई आत्मनिर्भर भारत का आह्वान भी प्रधानमंत्री ने किया है। और ये आत्मनिर्भर भारत चीन के व्यापार को काबू में करने का एक बड़ा हथियार बन सकता है। जिन ऐप्स पर, जिन कंपनियों को देश में प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिन चीनी कंपनियों को, उनके लिए युवाओं से और उद्यमियों से आह्वान कर सकते हैं कि उससे वैसी तरह के ऐप भारत में भी तैयार किए जाएं, ताकि उनका देशी वर्जन आत्मनिर्भर भारत के लिए सामने लाया जा सके। तो इन दोनों मुद्दों पर, दोनों पहलुओं पर, कोरोना संक्रमण पर और चीन से लड़ाई के मुद्दे पर, दोनों मुद्दों पर प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। चीन से लड़ाई पर और कोरोना से लड़ाई पर, ये दोनों ही मुद्दों पर प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। एक और सवाल विकास ये कि आमतौर पर इससे पहले जब भी प्रधानमंत्री का देश के नाम संबोधन हुआ है वो रात 8 बजे हुआ है, कल शाम 4 बजे क्यों? क्या इस बारे में कोई खबर? देखिए, इस बारे में तो कोई खबर नहीं है कि शाम 4 बजे क्यों हुआ है, लेकिन एक बार और प्रधानमंत्री शाम को 4 बजे एड्रेस कर चुके हैं, तो आमतौर पर शाम का समय चुनते हैं, इस बार शाम 4 बजे का समय चुना गया है। उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है, लेकिन इससे पहले भी इसी लॉकडाउन के दौरान एक बार प्रधानमंत्री शाम को 4 बजे एड्रेस कर चुके हैं। विकास, यहां एक और सवाल उठता है कि गलवान कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के प्रधानमंत्री पहले ही देश की स्थिति जो है स्पष्ट कर चुके हैं, अब सवाल ये उठता है कि अनलॉक 2 की जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें भी कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है, आमतौर पर अनलॉक 1 की गाइडलाइंस को ही आगे बढ़ाया गया है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको प्रधानमंत्री क्या नया बोलने वाले हैं, चाहे वो चीन को लेकर हो या फिर अनलॉक 2 को लेकर के हो, क्या नया हो सकता है प्रधानमंत्री के संबोधन में? देखिए, प्रधानमंत्री का फोकस जो हो सकता है अनलॉक 2 पर ही होगा, और इस अनलॉक 2 का हम फायदा कैसे उठाएं, कैसे संक्रमण को रोकें, क्योंकि देखिए संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है देश में, और काम करते हुए, संक्रमण से बचते हुए, मास्क का इस्तेमाल करते हुए अपने एक रोजगार को बढ़ाना है, व्यापार को बढ़ाना है, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाना है, ताकि दुश्मन देश, चीन जैसे दुश्मन देश की कंपनियों पर आत्मनिर्भरता कम हो। ये जो मिला जुला संदेश होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल रात के नाम के संदेश में, वो ये जो मिला जुला संदेश है वो उसका हिस्सा होगा। अब यहां पर देखिए, जिस जैसे ये खबर एबीपी न्यूज ने बताई है कि प्रधानमंत्री कल शाम 4 बजे देश को संबोधित करेंगे, तमाम मैसेजेस आने लगे हैं। विकास, में आपसे सभी का लब्बो लुआब अगर पूछूं तो यह है कि क्या प्रधानमंत्री कल कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं, या आम तौर पर लॉकडाउन 2 की जो गाइडलाइंस अभी हमने ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर दिखाई हैं उसी को एक एहतियात के तौर पर दोहराएंगे, या जो खबरें भारत और चीन के बीच आ रही हैं हम सुन रहे हैं उसी का एक ब्रीफ देंगे? देखिए, अभी तक ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं कि प्रधानमंत्री का कल जो राष्ट्र के नाम संदेश है उसमें कोई बहुत बड़ी घोषणा की जा रही है, इस तरह के कोई संदेश अभी तक नहीं, संकेत नहीं मिले हैं। हाँ, इतना संकेत जरूर है कि लॉकडाउन अनलॉक 2 की जो गाइडलाइंस आई हैं उनके बाद देश को कोरोना से संक्रमण की लड़ाई को लंबा चलना है, ये स्पष्ट होता जा रहा है। कोरोना संक्रमण की कोई अभी तक दवाई है नहीं, इसलिए इस मर्ज से लड़ाई जो है वो लंबी चलनी है, और इस लंबी लड़ाई के दौरान ही संक्रमण से बचते हुए, संक्रमण का सामना करते हुए हमें अपने काम काज को आगे भी बढ़ाना है। देश अब थम नहीं सकता, उसको बहुत दिनों तक लॉकडाउन में रखा नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन ऐसी सेवाएं जिनका लॉकडाउन बहुत जरूरी है, जैसे स्कूल्स हैं, उनको अभी 31 जुलाई तक बंद रखा गया है, तो इस तरह के जो जरूरी
सेवाएं हैं जिनको लॉकडाउन में रखना जरूरी है, उनका भी निर्णय हो चुका है। प्रधानमंत्री की इस राष्ट्र के नाम संबोधन में पूरा फोकस इस कोरोना संक्रमण से देश की लड़ाई को लेकर ही रहने वाला है। देखिए, सवाल इस तरीके की भी आ रहे हैं विकास, कि अगर प्रधानमंत्री को अनलॉक 2 के बारे में ही ब्रीफ करना है, दिशा निर्देशों के बारे में लोगों को बताना है, तो वो दिशा निर्देश तो आज ही सामने आ चुके हैं। तो प्रधानमंत्री इससे पहले भी जब आए हैं तब उन्होंने कोई बड़ी बात की है, कोई बड़ा ऐलान किया है, तो ऐसे में ये कैसे मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री कल 4 बजे आकर सिर्फ वही बातें बताएंगे जो लोगों को पता है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री जब भी राष्ट्र के नाम संबोधन हुआ है, उन्होंने हमेशा राष्ट्र के नागरिकों को कोई नई जिम्मेदारी सौंपी है, उनको कोई नया टास्क दिया है, उन्होंने कोई नई घोषणा की है। और इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री कोई नई घोषणा कर सकते हैं, कोई नया टास्क देश के नागरिकों को सौंप सकते हैं। और इसका प्रेडिक्शन तो कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये हाईएस्ट लेवल पर चीजें तय होती हैं, और अगर ये चीजें पहले से बाहर आ जाएं तो फिर प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो इसलिए हमें इंतजार करना होगा, कल 4 बजे जब प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे तो वो क्या नई बात रखते हैं, क्या नई घोषणा करते हैं, या कोई टास्क नया देते हैं, ताकि इस कोरोना संक्रमण काल में और चीन की दादागिरी के इस काल में भारत क्या करने जा रहा है, भारत को आगे क्या करना है, किस तरह से कदम मिला के आगे बढ़ना है, इसके लिए इंतजार करना होगा। जी जी, पंकज झा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। पंकज, एक बात जो अहम विकास ने कहा वो ये कि कोई नया ऐलान टास्क के रूप में भी हो सकता है, क्या लगता है आपको, कल प्रधानमंत्री जब देश को 4 बजे शाम को संबोधित करेंगे तो क्या नया होगा उनके संबोधन में? अनुराग, देखिए, एक बात तो साफ कर देना चाहिए, और हम सब जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो जानते हैं कि वो क्या कहेंगे, इसके बारे में पहले से आकलन करना या कुछ संभावना जताना बड़ा मुश्किल काम है। कल शाम 4 बजे वो राष्ट्र को संबोधित करेंगे, लेकिन देश में जो दो अहम मुद्दे हैं जिस पर हम सब लगातार बार बार चर्चा कर रहे हैं, और जैसा हमारे सहयोगी विकास ने भी बताया कि पहली बात ये है कि कोरोना को लेकर के, और आज नया जो गाइडलाइन जारी किया गया है अनलॉक 2 का, और दूसरा जो चीन को लेकर के जो हमारी तनातनी है सीमा पर चीन को लेकर के, ये दो अहम मुद्दे हैं। इसके इतर कोई नई बात नहीं होनी चाहिए, हो सकता है इससे जुड़ी हुई कोई चीज हो जो जनता के सामने, आम लोगों के सामने वो रखना चाहते हो, इसीलिए कल शाम 4 बजे का वक्त उन्होंने तय किया है। पंकज, कितनी उम्मीद है कि कोई नया टास्क मिले देशवासियों को? देखिए, मुझे लगता है कि क्या नया टास्क देंगे कहना बहुत मुश्किल है, और इस वक्त क्या नया टास्क हो सकता है ये मुझे नहीं लगता कि कोई नया टास्क देना चाहिए। ये जरूर बात है कि जैसे लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं और आशंकाएं हैं, तो जो मन में लोगों के सवाल उठ रहे हैं वो मुझे लगता है प्रधानमंत्री को इस बात का एहसास होगा, और पब्लिक के मूड को वो भली भांति जानते हैं, तो मुझे लगता है उन चीजों को वो एड्रेस करेंगे, ऐसा मानकर हम सब चल रहे हैं। चीन पर बोलने की भी उम्मीद है, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस पर, गलवान पर तो प्रधानमंत्री आकर बोल ही चुके थे, लेकिन अब क्या वो और बता सकते हैं कि देश इस तरफ किस दिशा में बढ़ रहा है, देश और कौन कौन से कदम उठा सकता है, क्या चीन को लेकर के भी बात हो सकती है कल के संबोधन में? पंकज, देखिए, जो मन की बात हुई थी रविवार को, उसमें उन्होंने इशारों ही इशारों में बिना चीन का नाम लिए सख्त लहजों में साफ कह दिया था कि हम भारत किसी भी तरीके का पड़ोसी के साथ जिस तरह का संबंध रखना चाहिए वो जानता है, और जवाब देना भी भारत को आंख में आंख डालकर देना आता है। तो बहुत सारी बातें कह चुके हैं, कोई नई बात उनके मन में हो, कुछ चीजें हो, तो वो शायद कल शाम 4 बजे वो हम सबसे साझा करेंगे। इसके अलावा पंकज, बहुत उम्मीद है कि कोरोना पर वो बोलेंगे। अब यहां पर परसों से, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक अनलॉक 2 शुरू होने वाला है। क्या हमने जिस तरीके से देखा कि अनलॉक 1 की गाइडलाइंस को कई लोगों ने कई शहरों में बहुत सख्ती के साथ फॉलो नहीं किया, क्या प्रधानमंत्री ये कहने भी आ रहे हो सकते हैं कि अब ये कोताही नहीं बरतनी है, ढिलाई नहीं बरतनी है, क्योंकि इससे ज्यादा सख्ती की नहीं जा सकती, और अगर इसका पालन ठीक से नहीं किया गया तो कोरोना से लड़ाई कमजोर पड़ेगी? प्रधानमंत्री अपने पहले के भाषणों में भी इस बात का 2-3 बार जिक्र कर चुके हैं कि जो नियम है, जो प्रोटोकॉल है, उसका कड़ाई से पालन करना चाहिए।
इसका वो कई बार दो तीन बार इसका विस्तार से इस बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसके बावजूद हम देख रहे हैं अनुराग, कुछ ऐसे शहर हैं, कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हालात बहुत खराब हैं कोरोना को लेकर के। हम जब ये बात कहेंगे, लोगों को समझाएंगे, उनकी अपील का बड़ा आवश्यकता की हो सकता है एक बात उनके जहन में हो कि कोरोना से निपटने के लिए किस तरीके का अनुशासन जरूरी है। जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं आपसे इतना ज्यादा इसलिए पूछ रहा हूं पंकज, क्योंकि अभी रविवार को ही 11 बजे सुबह मन की बात उन्होंने की है और ठीक एक दिन बाद सोमवार निकला है और मंगलवार को फिर वो लोगों के सामने होंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये मन में सवाल हर देशवासी के आना लाजमी है कि ऐसा क्या खास रह गया जो प्रधानमंत्री मंगलवार को शाम 4 बजे बोलने वाले हैं। ताकि अभी रविवार को उन्होंने मन की बात की, बहुत सारी चीजों पर उन्होंने विस्तार से और इशारों ही इशारों में कुछ मुद्दों पर बातचीत की है, तो ऐसा क्या हो गया अचानक कि फिर 48 घंटे बाद उनको लोगों के सामने आना पड़ रहा है। मंगलवार की शाम 4 बजे वो कुछ बात करना चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे हैं तो बहुत खास बात होगी। अब वो दो ही मुद्दे हैं जिसका मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक चीन को लेकर के है, दूसरा कोरोना महामारी को लेकर के है। इसके इतर कोई नई बात मुझे नहीं लगता हो, लेकर के बूस्टर का ऐलान पहले ही सरकार कर चुकी है। मुझे लगता है इन्हीं दोनों चीजों से जुड़ी हुई कोई बात हो सकती है, हम ऐसा मानकर चल रहे हैं अनुराग। बिल्कुल ऐसा मानकर सभी चल रहे, लेकिन सबसे अहम बात विकास भदौरिया से मैं जानना चाहूंगा। विकास, सबसे अहम बात यही तो है कि प्रधानमंत्री गलवान कॉन्फ्लिक्ट पर सामने आकर के स्थिति साफ कर चुके हैं भारत की। इसके अलावा इस रविवार को ही, कल ही उन्होंने 11 बजे सुबह मन की बात की है, तो अब लोगों के दिमाग में ये सवाल आना बहुत मामूली बात है कि अब ऐसा क्या होने वाला है जो प्रधानमंत्री शाम 4 बजे आकर के देश को संबोधित करेंगे। देखिए, इस समय अगर चीन के फ्रंट पर बात की जाए अनुराग, तो दो फ्रंट पर लड़ाई हो रही है। एक जो चीनी सेना है वो एलएसी के नजदीक अपने टेंट गाड़ के बैठे हुई है और वहां पर लगातार कमांडर लेवल की बातचीत चल रही है। कल भी ये बातचीत होनी है, हो सकता है कि कल इस बातचीत के दौरान कोई ब्रेक थ्रू हो और वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन शाम 4 बजे जब प्रधानमंत्री इस पर बोलेंगे तो वो शायद देश के नागरिकों को चीन के साथ जो देश के भीतर लड़ाई लड़नी है उसको लेकर वो विस्तार से बात कर सकते हैं। हमने देखा कि पिछले 15 दिनों के दौरान सरकार ने चीनी कंपनियों पर लगाम कसी, चीनी कंपनियों, टेलीकॉम कंपनियों को देश में तकरीबन प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि तमाम टेलीकॉम कंपनियों से कह दिया गया कि आप चीनी उपकरणों का इस्तेमाल टेलीकॉम में मत करिए। आज हमने देखा कि 59 से ज्यादा चीनी ऐप का सुरक्षा कारणों से की वजह से उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ऐसी सूरत में वो ये भी कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे उपकरणों से, चीनी सामान से अगर आपकी देश, आपकी सुरक्षा, देश की सुरक्षा खतरे में पड़ती है तो उन एप्स के इस्तेमाल से बचना चाहिए, और भविष्य में अगर हमें ऐसे ऐप का इस्तेमाल करना है तो देश में ऐसे ऐप तैयार करने चाहिए ताकि भारत आत्मनिर्भर बने इस क्षेत्र में। और न केवल भारत आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि इन ऐप का अगर हम पूरी दुनिया में विस्तार करेंगे तो भारत को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भी मिल सकती है। हो सकता है कि प्रधानमंत्री इस तरह का आह्वान करें युवा पीढ़ी से, जैसा कि पिछले कुछ राष्ट्र के संबोधन के दौरान उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वो वेंटिलेटर्स का निर्माण करें, पीपीई किट के लिए फैक्ट्रियां लगाएं। और आज हम देख रहे हैं कि देश में मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स भी बन रहे हैं, पीपीई किट का उत्पादन इतना ज्यादा है कि जहां अप्रैल महीने में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी, आज हम वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री इस तरह का आह्वान करें कि जिन ऐप्स पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया है उनकी मंशा लोगों के जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसको रोकना नहीं है। इसके अलावा विकास, क्या ये भी मुमकिन है? जी विकास, क्या यह भी मुमकिन है कि प्रधानमंत्री चीन को लेकर के और कोरोना को लेकर के जो देशवासियों के मन में संशय है उस पर भी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करें? ये देखिए, लगातार प्रधानमंत्री इस मसले पर बोलते रहे हैं, राष्ट्र के नाम संबोधन हो या मन की बात हो, दोनों ही इश्यू को वो एड्रेस कर चुके हैं। अब यहाँ पर राष्ट्र के नाम इस संबोधन में जाहिर सी बात है अनलॉक 2 की आज गाइडलाइंस आई है, तो इससे ही जोड़कर प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। और चूंकि कोरोना काल में इस दौरान तमाम ऐसी बातें हुई हैं जो भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की और ले जाने के लिए पहल कर चुके हैं प्रधानमंत्री,
तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री अब आह्वान करेंगे कि इस संक्रमण के दौरान हमें इसी से लड़ते हुए अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए तमाम ऐसे कदम उठाने चाहिए जो देश के नागरिक मिलजुल कर और सावधानी पूर्वक गाइडलाइंस का पालन करते। चलिए विकास, कल शाम 4 बजे तक का इंतजार करना होगा, देखना होगा कि प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन में और क्या कुछ कहते हैं। आज जानकारी आपने दी विस्तार से, इसके लिए आपका और पंकज झा आपका दोनों ही का बहुत बहुत शुक्रिया।